हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज हमारा दुबई में तीसरा दिन है और हम आज जा रहे हैं डेजर्ट सफारी। तो इन्होंने हमें होटल से ही पिकअप किया था क्योंकि हमने बुकिंग कर ली थी और इन्होंने बोला था कि मैं 3 बजे आपको होटल से ही पिकअप कर लूँगा। तो इन्होंने हमें होटल से ही पिकअप किया है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि डेजर्ट सफारी हमारे से काफ़ी दूर था। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ही हमें 5 या 5:30 हो गए थे। मैंने टाइम फिक्स देखा नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 2-2.5 घंटे हमें चलते चलते हो गए थे। बहुत दूर पड़ता है हमारे होटल से, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं क्वाड वाइकिंग करने। तो यहाँ हमें लोगों को आधा घंटा दिया गया था कि आप आधे घंटे में क्वाड वाइक कर सकते हो और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो जहाँ पर हमें एक एमएल राइड वगैरह करनी है वो थोड़ी आगे पड़ती है, तो यहाँ पर हम आधा घंटे ही रुके थे। यहाँ पर गाइज मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ी क्योंकि इनकी गाड़ी में काफ़ी तेज़ सॉन्ग चल रहे थे और मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ी। हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कैमल राइड। अभी पहले फर्स्ट में आयुष और आयुष के पापा जाएंगे, उसके बाद में मैं और आदित्य दोनों जाएंगे। तो अब मैं और आदित्य जा रहे हैं क्योंकि आयुष और आयुष के पापा आ चुके हैं, तो उन्होंने ही मेरी वीडियो शूट की थी और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पहले ना खुला खुला भी था और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम भी होता है, शो होते हैं यहाँ पे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो अभी हम खा रहे हैं खाना। तो यहाँ पर ना 2 तरह का होता है, आप VIP लेना चाहते हो या नॉर्मल। तो अभी शो हो गया है यहाँ पर स्टार्ट, तो चलो आप लोग करो एंजॉय। तो यहाँ पर अभी शो ख़त्म हो गया था और हमारा खाना पीना भी हो गया था,
तो अभी हम चलते हैं अपने होटल। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।